एक ओर जहां देश भर में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी ओर साहिबगंज नगर के टाउन हॉल में लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए मधुसूदन गोपाल देव स्मृति न्यास के तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी आयोजन कर क्षेत्र प्रचारक रामदत्त चक्रधर ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर रामदत्त चक्रधर ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर पूरे देश में चर्चा चल रही है, जो कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों द्वारा समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। लोगों को समझने और समझाने की जरूरत है कि ये कानून देश हित के लिए है, न कि राष्ट्र विरोधी कानून है, इसलिए देश में शांति और भाईचारा कायम रखे। नागरिकता संशोधन बिल और सीएए को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित है, संगोष्ठी आयोजित है, जिसके मुख्य वक्ता के रूप में चक्रधर जी आए हुए हैं। रामदत्त चक्रधर जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हैं, और समाज को यह बताना है कि यह देश हित में है और जो समाज में इस प्रकार का उन्माद फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है बुद्धिजीवी वर्ग के बीच। राष्ट्र में शांति का माहौल कायम रहे, एनआरसी और सीएए को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई है उसको दूर करने के लिए यह सबरंग समाचार के लिए साहिबगंज से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।